नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्षित सिंह, फार्मासिस्ट और ड्रग कंसल्टेंट। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है शिवनीता टीवी के इस वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कपिंग थेरेपी के बारे में। आपने कभी न कभी देखा होगा कि अक्सर स्पोर्ट्समैन वगैरह या फिर अदर लोग भी उनके पीठ में एक गोल गोल सा ऐसा अजीब टाइप का कप टाइप का चिपका रहता है, और जब वो निकलता है तो एक अजीब सा रेडनेस वहाँ पर निशान बन जाता है। और अक्सर हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन उठता है कि आखिर ये होता क्या, ये क्या चीज़ चिपका हुआ है, और देखने में ये काफ़ी हद तक डरावना भी लगता है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि ये क्या चीज़ होता है और इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसका क्या काम होता है। दोस्तों देखिए, ये जो चीज़ें आप देखते हैं इसको हम बोलते हैं कपिंग थेरेपी। ये क्या होता है कि जब बहुत सारे लोगों को जब बहुत समय तक अगर उनके कमर में पेन है, लोअर बैक पेन है, गर्दन में पेन है और शरीर के किसी निचले हिस्से में पेन हो रहा होता है, तो वो ठीक दवाओं से ठीक नहीं हो रहा होता है, तो डॉक्टर्स फिजियोथेरेपिस्ट इस कपिंग थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है, एक सिलिकॉन की एक कप होती है और इसको हमारे स्किन पर चिपका दिया जाता है। लगभग 5 से 6 ये जो कप्स होते हैं सिलिकॉन के, इसको चिपका देते हैं। इससे क्या होता है, ये एक प्रकार से सकिंग का इसका प्रोसीजर होता है, मतलब ये हमारे मसल्स को खींचता है और वहाँ से क्या होता है, जो हमारा ब्लड फ्लो होता है वो इस एरिया में जाकर के बढ़ जाता है, जिससे कि हमें जो दर्द की शिकायत हो रही होती है, जो और समस्याएं काफ़ी दिन से हो रही होती हैं, वो ठीक होती है, क्योंकि वहाँ पर ब्लड फ्लो इम्प्रूव हो जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो दिक्कत होती है इसको लगभग 5 से 7 मिनट तक किया जाता है, इसके बाद 10 दिन तक इसका ट्रीटमेंट चलता है, यानी कि जो वहाँ पर निशान बन गए हैं उसकी दवाइयाँ दी जाती हैं, कुछ पेन किलर्स दिए जाते हैं कि इसका दर्द ख़त्म हो जाए, और इसके बाद पेशेंट को काफ़ी हद तक रिलीफ मिल जाता है। ये पूरा प्रोसीजर जो होता है ये मात्र 5 मिनट का होता है और इसे हम बोलते हैं कपिंग थेरेपी। ये आपके बहुत पुराने पेन्स को ठीक कर देता है, आपके मसल टोन को इंक्रीज कर देता है, आपके शरीर में उस पार्टिकुलर प्लेस पर ब्लड फ्लो को ये बढ़ा देता है, इम्प्रूव कर देता है। तो ये तो था पूरा एक ओवरव्यू आपका कपिंग थेरेपी के बारे में। और मैं आपको बता दूं कि मैंने एक नया कोर्स भी लॉन्च कर दिया है, इसका नाम है शिवनीता मेडिकल स्टोर कोर्स। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने बी फार्मा डी फार्मा कर रखा है या बी फार्मा नहीं कर रखा है, लेकिन वो इन फ्यूचर मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं मेडिकल स्टोर खोलने के, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार का कोई नॉलेज नहीं होता है और वो इधर उधर भटकते हैं, कहीं कहीं मेडिकल स्टोर पर जॉब करते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए मैंने ये कोर्स लॉन्च किया है। इस कोर्स में मैं बताऊंगा कि मेडिकल स्टोर खोलने के लिए सबसे पहली और सबसे जो इंपॉर्टेंट जगह होती है वो होती है लोकेशन। लोकेशन कौन सा चुने, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपका ड्रग लाइसेंस कैसे बनता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेते हैं, कैसे उसको फिल करते हैं, कैसे ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, कैसे डॉक्टर आपका आता है। आपको मेडिकल स्टोर खोलना है तो आपको कौन सी दवाइयाँ लगा के रखनी है, पहली बार सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि लोगों को पता नहीं था कि कौन सी दवाइयाँ रखनी है, और डॉक्टर का पर्चा कैसे पढ़ें, डॉक्टर को कैसे मैनेज करें, कस्टमर से कैसे बिहेव करें, कैसे कस्टमर मैनेज करें, कैसे अपनी एक्सपायरी मैनेज करें, कैसे अपने जो है कैश फ्लो को बढ़ा दें, सारी चीज़ें इन डिटेल में बताऊंगा। मैंने जो बी फार्मा किया है, जो मैंने जॉब की है, जो मेरा बिजनेस था, सारा इस कोर्स में मैं निचोड़कर आपको देने की कोशिश करूंगा। ये कोर्स मात्र 11 दिनों का है, और अगर बात की जाए इसके फीस की तो 100 रुपये, अगर आप जुड़ने जाएंगे तो मात्र 9 रुपये पड़े, यानी कि एक डेयरी मिल्क चॉकलेट से भी कम कॉस्ट करता है ये बहुमूल्य कोर्स। तो अगर आप मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं, आपको कोई अनुभव नहीं है, ये कोर्स ज्वाइन करें, 100 रुपये पे करें, और आपके लिए ये बहुत ही वाइटल एक अमृत प्रकार से अमृत राशि काम कर सकता है। तो अगर इंटरेस्टेड हैं तो मेरे दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सअप करें मुझे या फिर फ़ोन करें, मेरी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं जो भी नए वीडियोज़ लाऊँ उसका अपडेट एटलीस्ट आपके फ़ोन तक सबसे पहले पहुँच सके। तो मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का, सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।